तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पहले टूरिस्ट वीजे पे जाते थे, तो उनको अलाउड नहीं था वहां पे जाके काम करना, वो काम नहीं कर सकते थे। 31 जनवरी के बाद आपके टूरिस्ट वीजे पे आप जो काम कर सकते हो, कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पहले टूरिस्ट वीजे पे जाते थे, तो उनको अलाउड नहीं था वहां पे जाके काम करना, वो काम नहीं कर सकते थे। और जैसे 6 मंथ का उनको वीजा मिलता था, 6 मंथ में मल्टीपल एंट्रीज तो कर सकते थे, वो स्टे भी कर सकते थे उधर 5 मंथ के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर सकते थे, घूमने के लिए उनको जाना पड़ता था। तो अभी क्या है, जो 31 जनवरी आएगी, 31 जनवरी से बाद जो भी मेरे दोस्त टूरिस्ट वीजे पे जाएंगे, अभी न्यू गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है जो यूके की, कि अगर आप टूरिस्ट वीजा लेके जा रहे हो तो आप 31 जनवरी के बाद आपके टूरिस्ट वीजे पे आप जो काम कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको, जो रूल उनके अकॉर्डिंग जो कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। जैसे कि जब भी आप जा रहे हो, इंडिया से जा रहे हो या कौन सी भी कंट्री से आप जा रहे हो, तो आप जैसे कवर लेटर बनाते हो ना, कवर लेटर में पूरा आपने लिखा होता है कि हाँ इतने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, इतने दिन इधर घूमने के लिए जाऊँगा। या जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके रिलेटिव्स हैं उधर, उनको शादी के लिए बुलाते हैं, तो जितने दिन आप लिखोगे उस पर कि मैं 2 मंथ के लिए जा रहा हूँ या 3 मंथ के लिए उधर मेरी स्टे होगी, तो उतने टाइम के लिए क्या है, आप उधर काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कोई बंदा जो इंग्लैंड में पहले से उधर है, वो आपको स्पॉन्सर करना चाहिए कि हाँ ये बंदा मेरे को इतने टाइम के लिए उसके पास काम है 2 महीने के लिए, वो आपको स्पॉन्सर करेगा और स्पेशल उसमें एक एफिडेविट बना के लिखवाएगा कि ये बंदा मेरे पास 2 महीने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे टूरिस्ट बंदे जाते थे पहले, और काम तो सभी करते थे, देखो काम करने के लिए जो भी बंदे जाते काम करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए अभी क्या है, उनको एक लीगली मौका मिल गया है कि जैसे भी इधर से आपका कोई रिलेटिव है उधर इंग्लैंड में, अगर आपको वो स्पॉन्सरशिप करता भी है तो उसको पहले से बोलो कि वो काम आपके लिए ढूंढ के रखे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उधर चले जाएं, महीना आपको काम ढूंढने के लिए लग जाए जब तक आपका जो टाइम पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये अपडेट सी यूके से, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अभी हम ट्राई करेंगे कि जैसे मैं अभी न्यूज़ देखता रहता हूं हर कंट्री के बारे में, तो मेरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट पोलैंड पे होता है, तो अभी हम ट्राई करेंगे कि जैसे ऑल ओवर कंट्री का, जिस भी कंट्री को कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर दोस्तों ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।